मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसके पीछे आप देखेंगे तो सड़क नहीं है, लेकिन शमशान घाट तक आने के लिए जो सड़क नहीं है वो बड़ा सवाल खड़ा करती है। मंदाकिनी नदी के किनारे ये शिव धाम है, भगवान शिव का मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार करने का प्रण पूर्व सभासद जवाहर सोनी ने लिया है और भूमि पूजन करने भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे एवं पूर्व राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय आए हुए हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसके पीछे आप देखेंगे तो सड़क नहीं है, लेकिन आज शमशान घाट का भूमि पूजन होने जा रहा है और पास में ये मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार करने का अभी अभी पूजन पूर्व सभासद जवाहर सोनी के द्वारा करवाया गया है। ये मंदाकिनी नदी है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नगर पालिका ने अगर ध्यान दिया होता, जो सड़क बनी होती तो शायद आदमी उस शव को लेके आ सकता। नेताजी आप ये बताइए, शमशान घाट का आप पूजन करा देंगे लेकिन लोग आएंगे कैसे? पूजन शमशान घाट बनवाने के बाद मैं पूरा प्रयास करूंगा, इस रोड के यहाँ के जनप्रतिनिधियों से प्रयास करूंगा कि ये रोड का निर्माण जल्द से जल्द हो। तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे वो इस सड़क को नहीं बनवा सकते थे क्या? नगर पालिका के अध्यक्ष वर्तमान में श्री नरेंद्र गुप्ता जी हैं, उनके क्रियाकलापों से पूरा नगर परिचित है। आज भी इस सड़क के लिए कई बार नगर पालिका में सभासदों के द्वारा उनको प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन कोई अमल नहीं किया गया, क्योंकि वो पूर्व वरिष्ठ सपा के नेता थे। वर्तमान में कुछ विषम परिस्थितियां ऐसी हुई उनके ऊपर और उसके कारण कुल मिलाकर वो नहीं। तो व्यक्तिगत रूप से आप शमशान घाट बनवाने जा रहे हैं? व्यक्तिगत रूप से मैं मंदिर का, पहले यहाँ शिव मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार और उसी लागत में 10 लाख की लागत में शमशान भी बनवाने जा रहा हूँ अपने जेब के खर्चे से। ये व्यक्तिगत खर्चे से बनवा रहे हैं, क्या बड़ी वजह आज लग रही है? व्यक्तिगत खर्च से यहाँ लोगों की मांग थी, क्योंकि नगर पालिका द्वारा किया गया और नगर पालिका चेयरमैन को अवगत कराया गया, लेकिन कभी भी तरउहा और सीतापुर, मैं सीतापुर से भी निर्वाचित सभासद रहा हूँ, जिला योजना का भी सदस्य रहा हूँ, तो इन दो जगह विकास मुक्त रखा गया इन 5 सालों में। अब ये 2.5 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, पता नहीं हम लोगों से नाराज हैं या सीतापुर या तरउहा से, ऐसी कौन सी उनकी नाराजगी है कि विकास से कोसों दूर है। मतलब जबरदस्त विरोध होने वाला है इस बार नगर पालिका अध्यक्ष का? नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष यदि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से कोई भी व्यक्ति आता है तो कोई विरोध नहीं है, एक तरफा है। दूसरे दलों से अगर कोई आता है तो उनका विरोध तो स्वाभाविक है हमेशा, और हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही जो प्रगति आएगा उसी के साथ। तो जवाहर सोनी जी, आप जनता काफी आई हुई है, लोग वहाँ ताली भी बजा रहे हैं, भाषणबाजी भी हो रही है, चुनाव बहुत नजदीक है, बड़ा सवाल खड़ा होता है क्या कहीं कोई चुनावी कारण तो नहीं है ये काम करने का? ये मेरा चुनावी कारण, मैं पूर्व में सभासद भी था, मैं हमेशा समाज सेवा के लिए लड़ा हूँ और लड़ता रहूंगा, चुनाव आते जाते रहते हैं, ये समाज सेवा है, ये मेरी व्यक्तित्व मैं जो है वो थी जनता की यहाँ की मांग थी कि एक शमशान, मैं पूर्व में भी सभासद था, शमशान के लिए लड़ा हूँ, अपने क्षेत्र के लिए लड़ा हूँ। नहीं, नीलम करवरिया ने हमको भरपूर सहयोग दिया है, यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन थी मेरे साथ, श्याम जी सभासद थे, शुक्ला जी थे, जितनी मेरी हम लोगों की टीम थी, हर हमेशा समाज सेवा के लिए लड़ा है, शमशान मंदिर मस्जिद सब के लिए लड़े हैं, हर धर्म के लिए लड़े हैं, और वो हुआ भी है पूर्व कार्यकाल में, इस कार्यकाल में कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल, तो इनका कहना ये है कि बात मंदिर की नहीं है, बात चुनाव की नहीं है, बात शमशान घाट की भी नहीं है, ये जनसेवक हैं और ये यहाँ से सभासद रह चुके हैं, तो इनको लगा कि ये बनना चाहिए और चुनाव तो आते जाते रहते हैं लेकिन ये जनहित के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपको।